नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, नालासोपारा में गन पॉइंट पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते में नालासोपारा के पाटनकर पार्क स्थित नेकलेस नामक दुकान में गन पॉइंट पर लूट हुई थी। हालांकि वो बंदूक नकली थी, लेकिन जो आरोपी है उसने दुकान में दोपहर के समय दिन दहाड़े दुकान में घुसते हुए दुकान मालिक सुरेश धाकड़ के साथ हाथापाई करके नकली गन दिखाकर उनको लूटा था। उस मामले में आरोपी कमलेश रामानंद गुप्ता को थाने से गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। आरोपी के पास से पुलिस को नकली गन और साथ ही साथ इस वारदात में इस्तेमाल में ली गई कार बरामद हुई है। और वहीं 2 लाख रुपए के 51 ग्राम सोने की जो ज्वेलरी इसने लूट की थी वो भी जब्त की है पुलिस ने। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आप सभी जानते हैं कि यह मामला पिछले हफ्ते गठित हुआ था और इसके बाद में काफी बवाल हो गया था। पुलिस प्रशासन पर एक सवाल या निशान लग गया था, क्योंकि पुलिस स्टेशन से, नालासोपारा पुलिस स्टेशन से नेकलेस ज्वेलर्स बहुत ही कम अंतराल पर है, उसके बावजूद दिन दहाड़े ऐसी घटना घटित हुई थी। काफी मीडिया में इसकी खबरें चली थी, मैंने भी ये खबर बनाई थी और दुकान मालिक सुरेश धाकड़ का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पर लिया था। तो उस मामले में अब कहीं न कहीं आरोपी को पकड़ा जा चुका है और ऐसा कहा जा सकता है कि पुलिस ने फिलहाल मामले का खुलासा कर दिया है। हालांकि अभी भी आरोपी के पास से बाकी के जो जेवर उसने चुराए हैं उसकी रिकवरी होनी बाकी है और पुलिस तपास कर रही है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले पर जानकारी देने नालासोपारा विभाग के एसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए मीडिया को जानकारी दी। आगे आप वीडियो में देखिए, सुनिए एसीपी नालासोपारा का क्या कुछ कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। जुरिडिक्शन में 26/11/2022 को पाटनकर सिग्नल है, यहाँ पे एक नेकलेस ज्वेलर्स नाम का ज्वेलर्स दुकान है। उनके मालिक जो सुरेश कुमार धाकड़ है वो दुकान में बैठे थे, तभी दोपहर में 1:45 से 2:30 बजे के बीच में एक अननोन पर्सन आके वहाँ पे उनको पिस्टल जैसे वेपन का धाक दिखा के उसमें से उनके ज्वेलर दुकान में से 150 ग्राम सोना लूट के लेके गया था। उसके बारे में नालासोपारा पुलिस स्टेशन में रॉबरी का गुना दाखिल है। सर, आरोपी के लूट किए थे और आरोपी कहाँ से अरेस्ट किए, कैसे किए? एक केस के बारे में फिर गुना इन्वेस्टिगेशन के बारे में सीनियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन के ऊपर नालासोपारा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सुपे साहब है, बाद में क्राइम PI सोनो ने, API तड़ेकर, API मस्के और डिटेक्शन स्टाफ जो है धनु है, पुलिस हेड कांस्टेबल धनु है, बाद में जो कल्याण बाचकर है, राजेश नाटुलकर है, ढोने हैं और ये सब ऑफिसर, इन्होंने वहाँ पे मिले हुए जो इन्फॉर्मेशन है और जो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करके वो आरोपी के यहाँ तक पहुँच गए और वो आरोपी को अरेस्ट किया है। वो आरोपी को अरेस्ट करने के बाद वो आरोपी ने जो ये गुनाह करने के लिए जो गाड़ी यूज़ कर दी थी वो गाड़ी भी मारुति वैगनर है, लगभग उसकी 4 लाख की कीमत है, वो गाड़ी भी हस्तगत कर दी है। और आरोपी के पास से अब तक के पुलिस कस्टडी रिमांड में 51 ग्राम 1,98,000 का मुद्देमाल भी हस्तगत किया हुआ है। बाकी का मुद्देमाल हस्तगत करने की कोशिश चालू है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी के खिलाफ ये नालासोपारा पुलिस स्टेशन का जो ये गुना दाखिल है 538/22, इसके अलावा रबाड़े नवी मुंबई, नागपाड़ा मुंबई और वासी में रॉबरी और चोरी के गुने दाखिल है और रिकॉर्ड का आरोपी है। क्या अंजाम क्यों दिया था इस वारदात को? लूट की वारदात को अंजाम क्यों दिया था? चोरी करने के पीछे की वजह उसकी पर्सनल लोन वगैरह है, वो गाड़ी के ऊपर लोन वगैरह है, उसके पर्सनल इशू के वजह से उसने वो चोरी करने का प्लान किया। इसमें कुछ वेपन मिला है क्या? हाँ, इसमें जो उन्होंने वेपन, उसने आरोपी ने जो वेपन यूज़ किया है वो वेपन मतलब जो है लाइटर है एक्चुअली, लेकिन दिखता लगभग पिस्टल के जैसा ही है, कोई भी आम आदमी डर सके। और उसके पास एक चाकू भी उसमें मिला था, वो दोनों हस्तगत किए गए। उसका पिछला बैकग्राउंड उसके ऊपर रबाड़े नवी मुंबई में एक केस है, नागपाड़ा मुंबई में एक है और वाशी नवी मुंबई, ऐसा 3 केस चोरी और रॉबरी के केस है।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।